लगता है सारा सामान समेटना ही पड़ेगा। कहाँ से शुरू करूँ, किसे कहाँ रखूँ? हैं? ये क्या है, मंत्रों की किताब? चुटकी, ओ चुटकी, यज। ये क्या है, जिन मंत्र? टिन टिन दिन दिन किम किम सिम सिम टिन दिन किम सिम बन जा जिन जिन। माँ तुम क्या कर रही हो? हाय, ये मैंने क्या कर दिया? चुटकी को ही जिन बना दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी चुटकी। फिक्र मत कीजिए मौसी, अब भी एक उपाय है। आप मंत्र एक बार फिर से पढ़कर हमें भी जिन बना दीजिए, फिर हम चुटकी को ढूंढकर उसे वापस ले आएंगे। जिन दिन किम सिम बन जा जिन जिन। क्या हुआ ढोलू बोलू, ये क्या है? सुनिए, ये हम कहाँ है? अरे जिन दुनिया में और कहाँ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्योंकि मेरे चिराग के मालिक ने कुछ मांगा है और मुझे जल्दी उनका हुक्म पूरा करना है। देर हो गई तो मेरी सजा और बढ़ जाएगी। ठीक हूँ, पर यहाँ कैद हूँ। छह नए गुलाम जिन। ये लड्डू भी हमारी तरह जिन बन गया और हवा में लटक गया। गलती हो गई, तुम सब जिन थे तो मैं तुमसे अपना कुछ काम ही करवा लेती। क्या सोच रही हो चुटकी? यही कि काश मैं माँ पिताजी और नीले गुलाब की वो पूरी कहानी जान पाती। जब भी मैं टाइम मशीन से आता जाता हूँ, मेरी लैंडिंग हमेशा चूक जाती है। आप अच्छे समय पर आए हैं प्रोफेसर धूमकेतु। क्या आप हमें अपनी टाइम मशीन की मदद से अतीत के उस समय में ले जा सकते हैं, जहाँ हम टुनटुन मौसी, नंदू मौसा और नीले गुलाब की कहानी जान पाए? चलो। देखो उस तरफ कोई है, जल्दी छुप जाओ।
मेरी तरफ देखो ना नंदू। ओ, मुझे बहुत शर्म आती है। पिताजी आप यहाँ? आमोश, हमारे मना करने के बावजूद तुमने उस नंदू से मिलना नहीं छोड़ा। कहाँ है वो लड़का? ये लड़का नहीं, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। पर मुझे तो बहुत पसंद है, मैं शादी करूँगी तो बस नंदू से। है? क्या कहा? अब ठीक है, अब मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ, अगर नंदू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। कैसी शर्त? पता नहीं क्या होगा, मैं नीला गुलाब लेकर ही आऊंगा। यही होना चाहिए। बस चुपचाप नीला गुलाब लेकर भागता हूँ, आवाज भी नहीं होगी तो दुष्ट आदमखोर को पता भी नहीं चलेगा। उंगली कट गई रे, उंगली कट गई। अरे कोई बचाओ हमें, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, अरे हमारा दम घुट रहा है भाई, अरे छोड़ दो ना। बच गए हम। आपको हम ही मिले हैं क्या भाई? उस गुलाब की एक पत्ती भी खराब मत करना। जैसे उस आदम भोर को उठा लिया, एक बार मुझे उठा के दिखाओ ना। मैं तुम्हें उठाऊं? एक लड्डू मिलेगा। ये खाइए फिर उठाइए। ये किसने बनाया? हमारी मौसी ने, उनका नाम भी टिंटुन है। तने ये पसंद आयो? खंबा गणी पधारो महाराज। तो इसका मतलब से कि मारू काम हो गयो? बिल्कुल। तने कमाल कर दियो, वाह। मन ने खुशी से कि मन ने आपको शिकायत करने को मौको नहीं दियो। अरे को बस उस राजकुमार को रास्ते से हटाना है। राजस्थान हम आ रहे हैं। राजकुमारी, हमने कभी राजस्थान नहीं देखा था, हम सबको अपने साथ लाने के लिए धन्यवाद। अरे वाह, देखो हम महल पहुंच गए। ना खूबसूरत है ना? राजकुमारी राजश्री। खम्मा घणी, आप सबको यहाँ आने में कोई परेशानी तो ना हुई? बिल्कुल भी नहीं। सारे रास्ते बहुत सुंदर है राजकुमारी जी। कोई भी परेशानी नहीं हुई। मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, इतनी सारी चीजें, मैं तो सब खाऊंगा। वाह,
क्या खुशबू आ रही है, शादी का खाना तो शानदार लग रहा है। दो दो और दो ना, हाँ, सब कुछ दे दो। हाँ। खाओ। तड़ी हिम्मत कि मारे को इंतजार करवाया। कौन है ये जो बिना बात के उस बेचारे पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है? वो बिच्छूपुर के राजा खूंखार सिंह होवे, हमें तो ये बिल्कुल ना भाते। पकड़ लिया। बापू साहब। मायण सिंह, पता लगाओ कि ये बिच्छू महल में कहां से आयो। ये रेगिस्तान में बिच्छू तो होते होंगे ना? हाँ, इसे मैं उठा लेता हूँ। लो, हम उदयगढ़ पहुँच गए। चलो चलो चलो। ये क्या, कहीं हमें ज्यादा देर तो नहीं हो गई? देखो, सब लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। यहाँ सब लोग क्या ढूंढने में लगे हुए हैं? ये तो राजकुमारी की शादी का समय है ना? राजकुमारी राजश्री को कोई उठा ले गया है। क्या? नहीं। खूंखार सिंह कहाँ है? खूंखार सिंह? वो तो अपने कमरे में होगा ना। हमें वहाँ ले चलो, जल्दी से। चलो। ये क्या? अरे राजकुमारी राजश्री। खेल खत्म हो गया खूंखार सिंह, हमें सब पता चल गया है। तुम ही ने वो बिच्छू भेजे थे और ये सब तुमने राजकुमारी को भगा ले जाने के लिए किया था। खेल तो अब भी बाकी है, हम तो बस तुम्हारे प्यारे बिच्छुओं के हमले का इंतजार कर रहे हो। सुनाई दे रही से वो आवाज, तुम्हारे बिच्छुओं का कमाल से सारे महल के सैनिक और सूरमाओं को मारे बिच्छू खत्म कर देंगे। फिर हम तुम्हारे राजश्री को बिच्छूपुर ले जाएंगे। खूंखार सिंह। रतन, ये क्या हो रहा है? इन बिच्छुओं की फौज खत्म ही नहीं होने वाली जब तक वो रत्न है, और उस रत्न को कोई भाला या तीर नहीं तोड़ सकता। क्या तोड़ेगा? पानी। इस रत्न को तोड़ना नहीं, ठंडा करना होगा। सब खत्म हो गया खूंखार सिंह, तुम हार गए। Ah!
तो तुम दोनों यहाँ हो। ये कैसी मूर्ति है? ये आसमान से आई है। इसे मैं रखूंगा, मुझे तो ये मूर्ति चमत्कारी लगती है। भीम, क्या तुमने वो देखा? क्या देखा? मैंने अभी कोई चीज तेजी से उड़ती देखी। ये क्या बोल रहे हो राजू? सच कह रहा हूँ चुटकी। ये मूर्ति तो धीरे धीरे भारी होती जा रही है। तो हमें दे दो। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये मूर्ति चमत्कारी है। ये मूर्ति तो फिर चमकने लगी है। लगता है तूफान। बेवकूफ लड़का। भागो! गोल गोल घूमती हूँ। भाग तो नहीं गए डरपोक की तरह? उस्ताद डरपोक नहीं है, फिर कालिया है कहाँ? भूकंप, बचाओ! ना अजीब था वो। ऐसा लगा धरती में कुछ बदल रहा है। गांव में सब कैसे होंगे? चलो दोस्तों। गोल गोल रानी, गोल गोल रानी, गोल गोल रानी, गोल गोल रानी। ये क्या? उस्ताद, गुस्साया उस्ताद। कालिया उस्ताद नहीं, गोल उस्ताद। मैं पूरी दुनिया को गोल गोल घुमा सकता हूँ। सुबह से ये भूकंप जैसे। सबको परेशान करना बंद करो कालिया। और तुम गोल गोल क्यों घूम रहे हो कालिया? मैं कालिया नहीं, गोल उस्ताद हूँ। भीम, तू गोल उस्ताद से नहीं बचेगा। बेवकूफ कालिया ने मेरा गोल गोल घूमना बंद कर दिया। अब मैं को
वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ बढ़िया वीग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा, मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। शायद दादाजी की उस कंघी का कमाल है। मेरा कहना क्यों नहीं माना कालिया, वो कोई मामूली कंघी नहीं, जादुई घर की कंघी थी। जादुई घर? हाँ, और सिर्फ जादुई घर की कैंची ही अब ये बाल काट सकती है। क्या ये जादुई घर यही ढोलकपुर में है? कहना मुश्किल है। फिर हम वहाँ जाएंगे कैसे? इस चाबी से। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। ए! किससे पूछकर हाथी जैसा वजन लेकर मेरे ऊपर चढ़ बैठा? हाँ चल हाथ। हाँ नहीं हटता। ठीक है मत हट। सुनो अच्छी लड़की, देखो मुझ पर कितनी धूल जमा हो गई है, जरा पोंछ दो ना। अच्छा। कहाँ थी कैंची? हाँ उस ड्रॉर में थी। घर का सामान हम पर हमला कर रहा है, सब ध्यान से सुनो। प्लान तो अच्छा है पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा। कालिया यहाँ से निकलो दरवाजे की तरफ। अरे आ गए तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मंसूर चाचा, इस बार तो बड़ी जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। चलो सब लोग अंदर आओ। तो फिर अब देर किस बात की है? भीम सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। Yeah.
मेरा सारा हलवा खत्म हो गया। अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। चलो कालिया चलते हैं। और स्वादिष्ट पंजाबी खाने के बारे में भी तो सोचो। सोचो सोचो। देर हो रही है। चलो 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 चलो, जल्दी चलते हैं। बोल का राजकुमार है। कहते हैं कि वो परियों का दुलारा है। मैंने उससे बहादुर बच्चा कहीं नहीं देखा। क्या वो भीम से भी ज्यादा बहादुर है? भीम से उसकी तुलना करना बंद करो, क्योंकि उसको तो इसी गाड़ी में टक्कर है। मैं सबसे ज्यादा बहादुर हूँ, चाहे वो भीम, धीर, शीर या कोई वीर हो। सबसे बहादुर धीर, ये तो तुमसे भी छोटा है। ढोलकपुर का हीरो। और मैं हूँ कालिया, तुमने मेरे बारे में भी बहुत सुना होगा। मैंने तो तुम्हारे बारे में काफी सुना है राजकुमार धीर, तुम्हारी बहादुरी अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। कुछ खेलते हैं, क्या कहते हो? क्यों नहीं, चलो फिर मैदान की ओर चलते हैं। डोलू बोलू, मैं कैसे उसे इस बार हराऊंगा। तैयार, एक दो तीन। जो मुझे आकर पहले छुएगा वो ही जीतेगा, तो रेस शुरू करें। एक दो तीन। Go, go!